ये जो आप ईरानी चाय पी रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? इसमें क्या है कि इसका धातु के बर्तन की चाय है और नमक इसमें मिला रहता है और इसकी चाय की पत्ती पोटली में इस बर्तन में पड़ी रहती है, तो इसकी इम्यूनिटी जो है भोपाल के अंदर मशहूर है और इसको पीने का स्वाद बहुत अच्छा है। अपन आम घर में बनाते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आती जो इस बर्तन की क्वालिटी और नमक की चाय की आती है। इससे लोग पीने से काफ़ी मतलब राहत महसूस करते हैं। इसकी चाय की पत्ती इसी में बर्तन में पड़ी रहती है, बॉयल होती रहती है और ये कई धातुओं से बना हुआ बर्तन है। इसकी चाय का पीने से पूरे मतलब शरीर में आयरन है, कैल्शियम है, वो सब ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरिया। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान। जैसा अभी आप ईरानी चाय बना रहे हैं, ये चाय बनती कैसे? बताया ना कि इसमें पानी उबाला, पानी उबाल के उसमें शक्कर पत्ती और जो नमक मिलाया उसको पका देना पड़ता है। पकाने के बाद जो है चाय, फिर वो टेस्ट आता है उसके अंदर। तो आप इसमें क्या क्या डालते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं? चीनी डलती है, चाय की पत्ती डलती है, नमक डलता है, ये आइटम डलता है और दूध अलग से रहता है इसका, यानी कि ब्लैक चाय होती है वो अलग रहती है और दूध अलग रहता है। यहाँ पे आप दुकान कब से लगा रहे हैं? ये दुकान तो कम से कम हो गई है 60 साल। लोगों को यहाँ की चाय कैसी लगती है? लोगों को अच्छी भी लगती है और जो नहीं पीते उनको बुरी भी लगती है। मतलब ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय पीने आते, जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग चाय पी रहे थे। ये आते हैं, बहुत से आते हैं जो शौकी होते हैं ये वाली चाय के, वो यही चाय पीते हैं, नहीं? और जो बिना शौकी होते हैं वो आते नहीं है, नहीं भाई। ये शौकी ये चाय के जो है कि जो इंसान इसको पीने लगेगा, एक दो बार पिएगा, वो इसके आदि हो जाएगा इस चाय का। आप जैसे अभी ईरानी चाय पी रहे थे, कैसे जी? ये साहब अच्छी चाय लगती है, वो नमक वाली चाय फायदेमंद चाय है, ये तो अच्छी लगती है, इसलिए आते पीने यहाँ पर। तो क्या क्या फायदे होते हैं? अब उसका फायदा हमें नहीं मालूम क्योंकि हमें अच्छी लगती है, इसलिए आते। तो आप यहाँ पे कब से चाय पी रहे होंगे? यहाँ से कम एक दो महीने करीब हो गए।